वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विदमी वीरेंद्र तो आइए स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवन का बुक का नाम है माय बुक ऑफ सोशल साइंस और सेक्शन है हिस्ट्री चैप्टर है वन, जिसका नाम है What, when, where and how. है व्हाट वेयर एंड हाउ टेस्ट टाइम तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूल जाइएगा चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन रॉड द राज तरंगिनी किस किसने लिखी थी चंदबरदाई ने लिखी थी अलबरू ने, ने लिखी थी या कालन ने लिखी थी तो राइट आंसर है कालहन चलिए नेक्स्ट वॉट इज आर्कियोलॉजी रिलेटेड टू म्यूजिक एंड पेंटिंग हिस्टोरिकल रिमेन्स और क्वाइंस किससे रिलेटेड है आर्कियोलॉजी तो राइट आंसर है बेटा क्वाइंस से रिलेटेड है नेक्स्ट हो रॉट सॉरी द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया कौन लेके आया था होली कुरान की टीचिंग्स इंडिया में मुगल्स आर्यन सूफी राइट right आंसर है बेटा मुगल्स नेक्स्ट वेयर आर द हिस्टोरिकल मेन्यूस्क्रिप्ट कैप्ट हिस्टोरिकल मेन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो कहां रखी गई हैं तो म्यूजियम में आर्चीब में या लाइब्रेरी में कहाँ रखी जाती हैं भाई तो राइट right आंसर है आर्ची नेक्स्ट द प्रजेंट नेम ऑफ अवर कंट्री इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ विच रिवर हमारा जो भारत का आज नाम है इंडिया का नाम है ठीक है वो प्राचीन किस नदी के नाम से बिलोंग करता है या उससे लिया गया है गंगा इंडस रावी तो राइट नेम है इंडस

इसमें रिकॉर्ड की गई हैं जो हमारे रूलर्स थे उनकी लाइफ है ना मतलब कि उनकी जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें तो ये है लिटरेरी सोर्सेस नेक्स्ट डेली सल्तनत वॉज फाउंडेड बाय डेली सल्तनत की किस स्थापना किसने की थी राइट right आंसर है कुतुबुद्दीन एबक नेक्स्ट वेयर है ना इन द ब्लैंक्स वर द मल्टी स्टोरीड बेल्स मेड इन राजस्थान मल्टी स्टोरी बेल्स जो कुएं बनाए गए थे खोदे गए थे वो किसके द्वारा कौन है भाई इसको कहते हैं सॉरी इसको क्या कहते हैं हम ग्रेट body, क्या कहते हैं ग्रेट स्टेट ट्रू और फॉल्स पहला क्वेश्चन द टर्म सप्त सिंधु वॉज यूज बाई द डिनोट इंडिया सप्त सिंधु जो टर्म था अरब्स के द्वारा यूज किया जाता था इंडिया को डिनोट करने के लिए क्या सही है इट्स फॉल्स नेक्स्ट पेंटिंग क्वाइंस एंड माउंटेन मोन्यूमेंट्स आर लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री पेंटिंग प्वाइंट्स और मोन्यूमेंट्स जो होते हैं बेटा वो लिटरेरी सोर्स होते हैं हिस्ट्री के क्या सही है इट्स फॉल्स नेक्स्ट अकबरनामा इज रिटन बाय चंदवरदाई क्या अकबरनामा चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई है फॉल्स सर थॉमस रॉय वाज ए पुर्तुगीज ट्रेवलर ये क्या पुर्तगाल के एक ट्रेवलर थे यस इट्स ट्रू मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं पार्ट वन स्क्राइब बाबर बाबरनामा मिनाज इसराज तो ये क्या है भाई तो देखिए पहले को मैच कराते हैं स्क्राइब्स है बेटा कॉपी और बाबर है रिलेटेड मुगल से बाबर नामा जो कि एक बुक है ऑटोबायोग्राफी है और मिनाज इसराज है क्रॉनिकल नेक्स्ट इस तरह से भी आप इसको मैच करा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग इनमें अंतर बताना है क्या बताना है किस किस में लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में और दूसरा है बायोग्राफीज़ में एंड ऑटोबायोग्राफीज़ में चलिए देखते हैं दीज आर रिटर्न मेटेरियल विच प्रोवाइड ए ग्रेट इंफॉमेशन ऑफ द हिस्ट्री तो लिटरेरी सोर्स जो होते हैं ये रिटर्न चीजें होती हैं जो हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती हैं वहीं आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं इज ए स्पेशलाइज साइंस दैट डील्स विद द मेटीरियल रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के जो मेटेरियल बचे कुछ अवशेष हैं मेटेरियल हैं उनके बारे में डील करती है लिटरेरी सोर्स की बात करें दीज रिसोर्स इंक्लूड रिलीजियस लिटरेचर सेक्युलर लिटरेचर बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज और मेमोरीज मेमोर्स क्रॉनिकल अकाउंट्स ऑफ फॉरन ट्रेवलर्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें जबकि आर्कियोलॉजिकल बात करें दिससेस इंक्लूड द रिमेन ऑफ बिल्डिंग इसमें बिल्डिंग के होते हैं पोट्री होती है बर्तन भांडे होते हैं मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे वेपन्स होते हैं ऑर्नामेंट्स होते हैं एंड अदर एंटीक्टीज भी होती हैं बायोग्राफीज के बारे में बात करें तो अकाउंट ऑफ पर्सनल पर्सन लाइफ रिटर्न बाई एल तो ये बायोग्राफी में होता है बेटा किसी के लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं सम अदर पर्सन के द्वारा जबकि यहां पे अकाउंट ऑफ ए पर्सन ने रिटन उस पर्सन ने खुद लिखी होता अपने के बारे में Next, देखने वाले क्या है तो पहला क्वेश्चन इन विच थ्री पीरियड्स इज द इंडियन हिस्टोरी डिवाइडेड किन तीन पीरियड्स में हमारी भारत का भारत का जो इतिहास है उसको डिवाइड किया गया है इट इज डिवाइड नंबर वन एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री द टाइम स्पैन ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया आपको मेंशन करना है बताना है टाइम स्पान ऑफ मेडिवल इंडिया है ना मेडिवल इंडिया का मेडिवल इंडिया का जो पीरियड था वो कब से कब किस टाइम तक रहा, तो right रहा है जो फॉरन ट्रेवलर्स थे वो इंडिया में आए थे विजिट किए थे कौन कौन थे दो नाम बता दो कोई ठीक है तो भाई हमने यहाँ पे इसने टू पूछे थे हमने बहुत सारे बता दिए यहाँ पे देखिए अलबरूनी थे मोरकॉन थे एवन बतूता थे निकोला डी कॉन्टी थे सर थॉमस रॉय थे बैप्टाइज ट्रेवलर थे नेक्स्ट वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पेंटिंग पेंटिंग से किस टाइप की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है निकाली जा सकती है तो राइट right आंसर yes, है बेटा पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन थीम्स थीम्स बेस्ड होती हैं सच एज मिथोलॉजी पैलेस लाइफ कॉर्ट एंड हंटिंग सीन एक्सेट्रा यानी कुछ मिथोलॉजी में बेस्ड होती हैं पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट हैवली ऑन द सोशल एंड कल्चरल ऑफ़ द मैनी ट्रेडिशन पीरियड्स पेंटिंग्स जो होती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं किस चीज़ों को ज़्यादातर सोशल एंड कल्चरल ऑफ़ द मैनी ट्रेडिशन पीरियड को ये रिफ्लेक्ट करती हैं हाउ डू इंस्क्रिप्शन हेल्प इन द स्टडी ऑफ द पास्ट इंस्क्रिप्शन जो होती है किस तरह से पुरानी बातों को हिस्ट्री को पढ़ने में मदद करती हैं तो बेटा इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन ये लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती हैं एंड ग्रेड ऑन हार्ड सर्फेसिस हार्ड सर्फेस पे गुदी हुई होती हैं जैसे कि मेटल्स पे पत्थरों पे चट्टानों पे स्टोन्स पे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी है ना इंस्क्रिप्शन के स्टडी को एपीग्राफी कहते हैं द रिकॉर्ड ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन है ना रॉयल मतलब राजकीय है, है ना राजशाही रिलीजियस टैक्स हो सकते हैं गिफ्ट टू बिलेजेस हो सकते है, ऐसी हैं ऐसी चीजें इस पर लिखी होती है जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हाउ आर द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट इन इन इट्स हिस्ट्री तो हमारी जो जियोग्राफिकल फीचर है वो किस तरह से हमारे इतिहास में हेल्पफुल है या उनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा तो देखिए जानते द जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूड द माउंटेंस रिवर्स एंड फॉरेस्ट तो इसमें यह सब चीजें होती हैं देर आर फाइव ब्रॉड जियोग्राफिकल डिविजन इन इंडिया भारत को पांच बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज में बांटा गया नंबर वन द हिमालय टू द इंडो ग्लेन द्लेटू एंड दैनीसे कोस्ट तो देखो भाई बांट दिया आपने द डिस्क्री ऑफ गोल्ड एंड डायमंडसल इन द गोलकोंडा रीजन ठीक है जब भाई डिस्कवरी हुई गोल्ड की डायमंड की तो भाई बहुत ज्यादा टसल हुए टकराव हुआ गोलकोंडा रीजन में एंड द सतपुरा माउंटेन्स एंटरिंग टू दाउथ्री पॉइंट थे जो धर्म धार्मिक परिवर्तन हुए उनके बारे में बताना है कुछ चलिए रिलीजन प्लेड ए डोमिनेट रोल इन द मेडिवल इंडियन सोसाइटी उस समय बहुत ज्यादा डोमिनेट हुआ करता था हमारा रिलीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर डेवलपमेंट्स इन द रिलीजियस ट्रेडिशन एंड हिंदुइज्म प्लेस तो इस समय पे पीरियड पे बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए चेंजेस हुए रिलीजियस में ट्रेडिशन में एंड हिंदुज्म में बहुत बड़े चेंजेस हुए द हिंदू रूलर्स बिल्ड सेवरल टेम्पल उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए ड्यूरिंग दिस टाइम कौन कौन बहुत सारे टेम्पल्स बनाए द रूलर्स ऑल्सो पेट्रोनाइज लर्न ब्राह्मिन एंड ग्रांटेड फ्री लैंड दस मैनी ब्राह्मण बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल तो उस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया यानी कि आप कह सकते हैं ब्राह्मणों को है ना क्या दी वहाँ पे बहुत सारे फेवर किए या उनके क्या किए भाई पर शिक्षा देते थे वो गुरु मानते थे, थे उनको है ना तो उनको क्या किया उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई दैम टैक्स फ्री लैंड है ना ऐसा लैंड दिया जमीन उनको दी जिन पर टैक्स नहीं लगता था इसी के कारण क्या हो गया मैनी ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण बहुत ज्यादा वेल्दी एंड पावरफुल बन चुके थे दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच ए न्यू रिलीजन अपियर इन इंडिया दैट इज इस्लाम और ये वही समय था जब एक नया रिलीजन भारत में जन्म लेता जिसका नाम है इस्लाम भारत में जन्म लेता है मतलब भारत में आया मेडिकल पीरियड इन इंडिया मेडिकल पीरियड ऑफ इंडिया की कुछ स्पेशल फीचर्स बतानी है आपको चलिए बात करते हैं द राइज ऑफ द मराठा ठीक है तो इस टाइम पे मराठा और सिक्स का राइज हुआ था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड दूरोपियन कंट्रीज टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इट तो यानी हमारी जो आर्थिक प्रॉस्पेरिटी समृद्धि थी उसने यूरोपियन को एस्टेब्लिस किया कि भाई यहां आने पर मजबूर कर दे चलो अट्रैक्ट किया चलो भाई वहां चल के बिजनेस बिजनेस करते हैं कुछ several provincial किंगडम्स इन द ईस्टर्न as वेल well as peninsular इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट बहुत सारे provinces थे किंगडम्स थी जो क्या हो चुका था ईस्टर्न पार्ट में और peninsular इंडिया में जो कि इंडिपेंडेंट हो गई थी अपना काम खुद करती थी सारे है ना किसी की गुलामी में नहीं रहती थी द राइज ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट उस समय भक्ति और सूफी मूवमेंट का उदय हुआ था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी होता है इसी टाइम पीरियड में डिस्कस द आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस ऑफ द मेडिकल पीरियड आर्क्योलॉजिकल सोर्स बताने हैं मेडिबल पीरियड के चलिए क्या है आर्कियोलॉजी इज स्पेशाइज साइंस दैट डील विद द मेटीरियल रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के जो मेटेर रिमेन्स बचे हैं जो अबसेस बचे हैं मेटेरियल बता है पदार्थ बचा है उसकी साइंस है उसको स्टडी करने की साइंस है दीज इंक्लूड द रिमेन ऑफ बिल्डिंग इसमें बिल्डिंग के रिमेन्स हो सकते हैं पोट्री हो सकती है वेपन ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं है, और अदर एंटिविटीज भी हो सकती है ऑल ऑफ दीज आर ऑफ इमेंस वैल्यू एज दीज आर यूज इन द री कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशियो कल्चर एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिबल इंडिया तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल दीज आर इमेंस वैल्यूज इनकी बहुत ज्यादा ये कीमती हैं है ना ऐसे नहीं की फर्जी में ऐसे कुछ भी हैं तो बहुत ज्यादा कीमती है कुछ चीज़ों के बारे में बताती है यूज इन रिकंस्ट्रक्शन दोबारा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सोशियो कल्चर यानी सोशियल और कल्चर एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिबल इंडिया के बारे में बताती हैं बात करें अगर क्वाइंस की क्वाइंस क्या बताते हैं हेल्प्स इन द हिस्टोरियन हिस्टोरियन टू प्रोवाइड इफॉर्मेशन ऑन डेट्स एंड इवेंट तो जो क्वाइंस होते हैं सिक्के होते हैं वो हिस्टोरियन को जो है ना क्या कह सकते हैं आप इतिहासकार होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देता है डेट्स की तारीखों के बारे में घटनाओं के बारे में इंस्क्रिप्शन क्या करती है बेटा इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स इंस्ट्रक्शन एंड ग्रेव ऑन हार्ड सर्फेसिज हार्ड सर्फेस पे गुदी हुई चीज होती है लिखी हुई चीज होती है जैसे कि मेटल पे हो सकती है रॉक पे हो सकती है स्टोन पे हो सकती है वहीं मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग की बात करें अगर बेटा है ना पी प्रोवाइड बना लें कैपिटल इसको भी एच को कैपिटल बना लेंगे इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चरल कल्चरल इन्फॉर्मेशन ये आर्किटेक्चुरल और कल्चरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव विच आर द लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आपको लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में इलेबरेट थोड़ा एक्सप्लेन करें जरा चलिए देर आर सो मैनी लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से थे राइटिंग डन मोस्टली ऑन द पाम लीव्स ठीक है एंड बर्च बार्ग्स तो ज़्यादातर जो लिखने का काम किया जाता है राइटिंग वो पाम लीव्स पे या वर्च बाग्स पे किया जाता था ऑटो तो बायोग्राफीज और मेमोर्स की बात करें तो या टी को कैपिटल बना लेंगे दीज आर द रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय दैम सेल्प जो लोग खुद लिखता लिखा करते थे एग्जाम्पल हो गया आपका बाबरनामा तो झुके ए जहांगीरी तो बाबर नामा तो बाबर ने लिखा था जहांगीर है तो जहांगीर ने लिखा था बायोग्राफीज़ एंड क्रॉनिकल्स के बारे में बात करें टी को फिर कैपिटल बनाएंगे देर वर मैनी ऑथर बहुत सारे ऑथर राइटर हुआ करते थे हु रॉड क्रॉनिकल्स अबाउट लाइफ एंड वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनास्टीज ड्यूरिंग दैट टाइम तो उस टाइम में ये जो बाय हमारे हुआ करते थे और क्या कह सकते हैं आप क्रॉनिकल्स जो हुए करते बायोग्राफीज जो लिखा करते थे इस टाइम में क्या आता है बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो है ना जो राजाओं के बारे में रूलर्स के बारे में उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको क्रमबद्ध करके एक बुक तैयार कर लिया करते थे इस तरह आज आपने वीडियो देखा कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह हेल्पफुल है आपकी हेल्प करता है मदद करता है कि नहीं करता है किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स आप ही काम आईडियर स्टूडेंट्स तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेते हैं